प्राधिकरण के विरोध में तीसरे दिन जोन के सभी विद्युत संगठन पदाधिकारी और कर्मचारी के समर्थन में किसान भी हुए एकजुट, किया जोरदार प्रदर्शन। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष अलका अग्रवाल ने वात्सल्य शिशु सदन के नए भवन का फीता काटकर किया उद्घाटन। शनिवार को आएंगे सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च ट्रेड्स एप्लीकेशन एंड पॉसिबिलिटीज विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे विचार। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए दो दिनों तक चलने वाले मतदान की प्रक्रिया शुरू, 4,637 सदस्य करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। शहादत दिवस के अवसर पर अन्ना हजारे के समर्थन में अन्ना आंदोलन समन्वय समिति गोरखपुर के नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया अनशन। बीपीएड धारकों की भर्ती की मांग को लेकर बीपीएड धारकों ने शुक्रवार को मनाया काला दिवस, हाथ पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर वित्त विहीन शिक्षकों द्वारा यूपी बोर्ड के मूल्यांकन कार्य बहिष्कार, सातवें दिन भी रहा जारी, किया सद्बुद्धि यज्ञ। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रेम माया बच्चन ने किया शुभारंभ। और नासा के एस टैलेंट की टीम ने एनी रेलवे वर्कशॉप की टीम को 8 विकेटों और आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने जोनल यूपी पुलिस की टीम को 88 रनों से हराकर सेमीफाइनल का टिकट किया पक्का।